नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस व्लॉग। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ तलोजा फेस टू के सामने खड़ा हूँ, तलोजा सिटी फेस टू। और ये जो रास्ता जा रहा है ये पनवेल कलमबोली से सील फाटा की तरफ जा रहा है तलोजा गांव से होते हुए। तो आज हम जा रहे हैं तलोजा गांव। तलोजा गांव में जो रोड के सामने जो मिठाई की स्वीट्स की दुकान है उसका वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। वहाँ अलग अलग तरह के स्वीट्स मिठाइयाँ या और भी सामान मिलते हैं जो हमें बाकी जगह नहीं मिल सकते, बहुत ही खास है। तलोजा में ही मिलती है वो चीज़ें। तो अफलातून वहाँ का एकदम स्पेशल स्वीट है जो दूध से बनता है, अफलातून मिठाई। तो चलिए देखते हैं आज तलोजा गांव की स्पेशल अफलातून मिठाई और कहाँ मिलती है, कैसे जा सकते हैं वहाँ तक, आइए देखते हैं। ये दोस्तों रास्ता कलमबोली से जो आता है सील फाटा के लिए, जहाँ से आप मुंब्रा से होते हुए आगे थाने या फिर घोड़बंदर रोड से आगे जा सकते हैं मुंबई की तरफ, गुजरात की तरफ, और या फिर आप सील फाटा से आप कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्लासनगर के लिए जा सकते हैं। ये रास्ता बहुत ही ख़ास है जो थाने डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, नवी मुंबई को भी जोड़ता है। ये देखिए हम लोग अभी तलोजा फेस टू के सामने से जा रहे हैं। ये जो राइट में रास्ता गया है तलोजा फेस टू की तरफ जाता है। अभी आप देख सकते होंगे हमें लेफ्ट साइड में तलोजा गांव दिखाई दे रहा है। ये देखिए सामने तलोजा गांव दिखाई दे रहा है। तलोजा गांव में जैसे ही आप मस्जिद के आगे जाते हो तो मस्जिद के आगे थोड़ी दूरी पे ये सारे मिठाई के शॉप है। बाहर से लोग यहाँ से इस रास्ते से गुज़रने वाले वहाँ रुक के ज़रूर मिठाइयाँ या जो भी चीज़ें हैं बेकरी की जो भी चीज़ें हैं वहाँ से ख़रीदते हैं। वहाँ की बिस्किट, नान खटाई चाय के साथ खाने के लिए ज़रूर लेके जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में तलोजा की मस्जिद दिखाई दे रही है। ये भी तलोजा गांव हम लोग पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में मिठाई की दुकानें यहाँ से स्टार्ट होती है, स्वीट्स की दुकानें। बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है तलोजा गांव, बहुत ही पुराना। और ये जो हाईवे है ये बहुत ही पुराना है दोस्तों। तो यहाँ ये बहुत ही फेमस है अफलातून मिठाई और भी मिठाइयाँ यहाँ की। तो आइए यहाँ विज़िट करके देखते हैं क्या भाव है, कैसे किलो मिलता है। ये देखिए यहाँ भी आगे एक दुकान गया पीछे, यहाँ हम लोग देखते हैं अभी, यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह है। ये आप देख सकते हैं सामने एक शॉप दिखाई दे रहा है स्वीट का, सिद्दीकी स्वीट्स। यहाँ त्योहारों के सीज़न में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों। यहाँ की स्वीट्स मिठाइयाँ लोग दूर दूर से लोग लेने को आते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देने के लिए। अभी यहाँ बहुत धूप है इसलिए आज ट्रैफिक थोड़ा कम है, नहीं तो यहाँ गाड़ी लगाने तक का जगह नहीं मिलता ये मिठाई की दुकानों के सामने। तो आइए देखते हैं सिद्दीकी स्वीट्स में क्या क्या मिलता है और कैसा है अफलातून स्वीट, यहाँ का फेमस तलोजा का अफलातून मिठाई, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ खजूर की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बाहर से भी खजूर आते हैं, अरब कंट्रीज से आपको यहाँ मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए चाय के साथ खाने के लिए नान खटाई और खारी बिस्किट टोस्ट वो भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ का मिठाई बहुत ही स्पेशल होता है दोस्तों, जो अलग अलग वैरायटी से यहाँ बनता है इंग्रेडिएंट्स से, दूध के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है मिठाइयों में। ये मैंने नान खटाई लिए चाय के साथ खाने के लिए, और ये मावा केक भी फेमस है यहाँ का। दोस्तों तलोजा गांव की मिठाइयों की यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे जो मिठाइयाँ बन के मिलती है
वो ज़्यादातर आपको बाहर खाने को नहीं मिलेगी, मतलब देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी है तलोजा की। अफलातून उसमें से एक बहुत ही अच्छी मिठाई है जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। दिवाली में या फिर ईद में या फिर त्यौहार में उसका बहुत यहाँ पे डिमांड होता है। ये देखिए, मैं आपको अफलातून मिठाई इनको बोलता हूँ दिखाने के लिए। आप कभी आसपास से यहाँ से गुज़रते हैं, थाने से या फिर नवी मुंबई से या फिर पनवेल से, तो यहाँ रुक के आप ज़रूर ये मिठाई ख़रीदिए। यहाँ से बहुत ही बढ़िया होती है दुकान के। यहाँ पे ये भाई साहब है यहाँ पे संभालते हैं, ये उनका लड़का है। ये देखिए अंदर दुकान के मालिक सिद्दीकी साहब बैठे हैं। ये देखिए अफलातून मिठाई दिखा रहे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इसका टेस्ट भी बहुत ही सुंदर होता है। मतलब शायद इसमें खजूर भी मिलाते हैं दूध के साथ में। ये अफलातून मिठाई 350 से 400 रुपये किलो मिलती है। त्यौहारों में ये अफलातून मिठाई ज़रूर आप लेके जाइए, बहुत ही पसंद आएंगी आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को। हम लोग यहाँ दिवाली में ये अफलातून मिठाई लेने ज़रूर आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप भी अगर इस रास्ते से गुज़रते हैं खाने से नवी मुंबई से, तो यहाँ रुक के ये तलोजा के स्वीट्स या फिर मिठाई की दुकानों से ज़रूर परचेस कीजिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नवी मुंबई GS Vlog को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।